आईफोन से पहले एप्पल का एक्वेरियम बहुत ही मैसिव सक्सेस वाला प्रोडक्ट था, लेकिन सबसे पहला जो दुनिया का आईपॉड बना था वो स्टीव जॉब्स ने लिटरली एक्वेरियम में फेंक दिया था। 2001 में जब स्टीव जॉब्स को ये आइडिया आता कि रेडियो छोड़कर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे लोग गाना भी सुन सकते और उसको कैरी भी कर सकते, तब आईपॉड का आइडिया स्टीव जॉब्स के दिमाग में आया, लेकिन वो इसको इतना छोटा बनाना चाहते थे कि लोग इजीली उसको पॉकेट में भी कैरी कर सके। और महीनों की आर&डी के बाद जब टीम फाइनली एक प्रोडक्ट लेके स्टीव जॉब्स के पास गई थी, तब स्टीव जॉब्स ने वो डिवाइस देख के कहा था कि इससे भी छोटा आईपॉड होना चाहिए, लेकिन उनके टीम ने कहा कि इससे छोटा और डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने वो प्रोडक्ट लिटरली एक्वेरियम में फेंक दिया था, और फिर उसमें से जब बबल निकलने लगे तब स्टीव जॉब्स ने कहा कि इसमें और भी बहुत ज्यादा स्पेस है जो साइज कम कर सकती है, और साइज कम करने के लिए आप उसका चिप की साइज और वायर की साइज कम कर दो। और फिर से टीम ने कुछ महीने बिता दिए और अच्छा आर&डी के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट लाया जो स्टीव जॉब्स को बहुत ज्यादा पसंद आया, और वही प्रोडक्ट जो आईफोन से पहले एप्पल का मैसिव सक्सेसर था। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे चैनल भी बहुत ज्यादा सक्सेस हो तो टेक लेजेंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करना।